My dear students, in this module, we will learn regarding physical and mental health consequences of urban life. Uh, urban life, as we know, is uh, quite different from the rural setting, or uh, urban settings you have, basically, urban settings are unique in terms of uh, their risks and protective factors. बेसिकली अर्बन सेटिंग्स आर कम्पोज ऑफ़ यूनिक कम्बीशन्स ऑफ रिस्क एंड प्रोटेक्शन अब उसमें कुछ एरियाज़ uh, जो हैं इट बेसिकली वेरीज फ्राम सिटी टू सिटी एक अर्बन सेटिंग से दूसरी अर्बन सेटिंग में ये चीज़ें वेरी करेंगी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर कुछ लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो उनके लिए एक और इन्वायरमेंट होगा और उनके लिए फ़र्ज़ करें जिस तरह का वहाँ पे एटमोसफियर है वहाँ पे आ, रिस्क फैक्टर जो हैं वो बहुत कम होंगे लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं लाहौर की किसी विसिनिटी में अनप्लैंड जो एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ है जहाँ पे स्लम्स हैं वहाँ पे अगर रह रहे होंगे तो फिर चांसेस है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनप्लेंड तरीके से चल रही होंगी ख़ासकर सीवरेज और सैनिटेशन के इशूज़ तो उस तरह के माहौल में जब लोग रहेंगे तो फिर रिस्क फैक्टर जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो इसी तरह से अगर हम देखें ओवरऑल अर्बन लाइफ जो है इनको पर्टिकुलरली विद इन द कास्ट कॉन्टेक्सट ऑफ मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ तो अर्बन एटमॉस्फेयर हमें आ, बड़ा डिफरेंट लगता है कि कुछ एरियाज जो हैं जहाँ पे लोग फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अल्टीमेटली उनके लिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए रिस्क ज़्यादा हैं तो उसमें अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं वाइल सम ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज हैव एक्सेस टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अदर मे बी अनएबल टू अफोर्ड क्वालिटी हेल्थ केयर एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस फैक्टर के साथ चूंकि मेन जो फैक्टर रिलेटेड है दैट इज़ पावर्टी दैट इज़ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द रेजिडेंट्स के अगर कुछ लोग जो कि बेहतर हैं फाइनेंशियली साउंड हैं तो दे कैन अवेल बेटर फैसिलिटीज़ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी और बाकी जो सिविक कम्यूनिटीज़ और अर्बन लोकेलेटी में जो अर्बन पुअर हैं वो अगेन चांसेस हैं कि वो ज़्यादा रिस्क पे हो सकते हैं और इस तरह से उनके लिए फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है उसके रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं और अर्बन सोशालोजी में डिफरेंट रिसर्च हमें ये बताती हैं के जो इनर सिटी पापोलेशन हैं दे हैव टू पे द अर्बन हेल्थ पेनल्टी यानी ओवरऑल अर्बन हेल्थ अर्बन एरियाज़ में सिंपली रहने की वजह से उस लोकेलिटी या उस इन्वायरमेंट में रहने की वजह से उनको हेल्थ पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं तो इनर सिटी में अगर प्रॉपर जो आ, ये जो वेस्ट कलेक्शन है वो नहीं है तो उसके लिए डिफरेंट हैज़र्ट डिफरेंट एपिडेमिक्स और इस तरह से हेल्थ हैज़र्ट्स जो हैं वो पैदा हो सकते हैं सिमिलरली अगर हाउसिंग इनएडिक्यूट है और हाउसिंग अगर प्रॉपर नहीं है कंजेशन है तो तंग तंग गलियां हैं तंग तंग घर हैं और प्रॉपर लाइट नहीं आ रही तो अगेन जो उनकी हेल्थ है वो मुतासर होती है इसके अलावा अगर वो वो लोकेलेटीज़ जहाँ पे लोग फ़र्ज़ करें उनके एयर पोल्यूशन ज़्यादा है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है तो अगेन एक सर्टन लेवल से ज़्यादा अगर नाइज़ पॉल्यूशन है तो फिर वो ह्यूमन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है इसके इसके अलावा अगर हम देखें जो इंडस्ट्रियल जोनस हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं आ, उन एरियाज़ में जो रहने वाले लोग हैं उनका एक्सपोजर होता है टुवर्ड्स सर्टन हैज़र्ट्स जैस जिसमें कि एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके वेस्ट जो हैं भले वो सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में हों या फिर वो वो वेस्ट हों जो अल्टीमेटली वाटर को कंटेमिनेट करते हैं तो उन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए अगेन जो है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ये इश्यूज होंगे लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो एरियाज़ जहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम हैं और वहाँ लोग पार्क्स या प्ले या इस तरह का जो ओपन एरिया है कम है तो वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो उनको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है उनको स्किजोफ्रेनिया हो सकता है डिप्रेशन हो सकता है तो ख़ासकर वो लोग जो ज़्यादा पॉल्यूटेड uh, और uh, uh, ऐसा नॉइज़ पॉल्यूशन वाले एरियाज़ में रह रहे हैं तो फिर शहर की ज़िंदगी के अपने स्ट्रेसर्स हैं और ये स्ट्रेसर्स जो हैं वो अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस uh, करते हैं मोस्ट ऑफ द अर्बन रेजिडेंट्स फेस एडवर्स फिज़िकल हेल्थ कंडीशंस दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर फिज़िकल इन्वामेंट खासकर वो ऐसी लोकेलेटीज़ में अगर रहते हैं जहाँ पर प्रॉपर uh, तरीके से सैनिटेशन प्लान नहीं है तो तो इसी तरह से जो ख़ासकर जो बच्चे हैं आ, इस हवाले से कुछ रिसर्च भी हुई हैं कि चिल्ड्रन बिटवीन वन एंड फाइव इयर्स ऑफ एज लिविंग इन लो इनकम इनरसिटी फैमिलीज़ आर मोर देन सेवन टाइम्स एज लाइकली टू हैव एलिवेटेड लेड लेवल्स इन देयर ब्लड एज़ आर चिल्ड्रन इन अदर लेस तो इसका मतलब है कि जो इनर सिटी के रहने वाले लोग हैं उनकी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लोकेलेटी उनको बहुत सारी इस तरह की हेल्थ uh, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जिसकी वजह से वो uh, ऐसे माहौल में रह रहे हों जो अल्टीमेटली उनके हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा हो तो फ़र्ज़ करें हमारे uh, यहाँ पे जो कूड़ा जलाने का एक है या इवन टायर जलाने का जो कॉन्सेप्ट है तो ये भी अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ के लिए एक रिस्क फैक्टर जो होता है तो इस तरह से अर्बन सेटिंग जो है इट कंटेन बोथ द रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर द रेजिडेंट्स जिनकी वजह से उनकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है वो दोनों मुतासर हो सकते हैं